आर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तेज खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वो कहते हैं कि जब किसी शख्स को तमाम खुशियां मिल जाती हैं तो उसका चेहरा किसी दीपक की तरह जगमगाने लगता है और उसके चेहरे को देखकर लोग खुद ही अंदाजा लगा लेते हैं कि वह कितना खुश है। मगर आपने कभी अपने इस बात पर गौर किया है कि हम अक्सर जिस बात को हंसी मजाक में बोल देते हैं उसमें कितनी बड़ी बात छुपी होती है? वही दीपक जिसको हमने पहले एक मुहावरे के रूप में बोल दिया, एक खुशी का पहलू लेकर। लेकिन क्या आप जानते हैं उसी दीपक को बनाने वाले कितनी परेशानियों से जद्दोजहद कर रहे हैं? आज दीपावली पर हम आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसमें सबके घरों को रोशन करने वाले दियों को बनाने वाले कुम्हार आज खुद ही कैसे अंधेरे में डूबे हुए हैं। आप सभी को पता है कि दीपों का त्यौहार दीपावली आ चुकी है, जिसको लेकर आज लोग अपने अपने घरों व दुकानों की साफ सफाई में जुटे हुए हैं। दीपावली को लेकर बाजारों में रंग बिरंगी झालरों, पटाखों और मूर्तियों की दुकानें सजने लगी हैं और दीपावली की जान कहे जाने वाले दीपकों का कार्य भी जोरों पर है। जिनको बनाने वाले कुम्हार अपने पूरे परिवार के साथ मिट्टी के दीपक, खिलौने बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते नजर आ रहे हैं। हमारी टीम इन मिट्टी के दीप बनाने वाले कुम्हारों की हाल जानने के लिए उनके पास पहुंची और इस कार्य से जुड़े लोगों से बातचीत की तो कुम्हार का दर्द छलक पड़ा। अब 2-3 साल से बिक्री तो बहुत डाउन चल रही है और ये चाइनीज लाइटें चल गई हैं, तब से बिक्री बहुत डाउन हो गई है। दिए बहुत कम जलाते हैं, चाइनीज लाइटें अपनी लेके उसी से काम निकाल लेते हैं सब। हमारा बहुत धंधा पीछे चल रहा है सब चाइनीज के चक्कर में। कुम्हारों ने बताया कि जब से यहाँ चाइना से आने वाली बिजली की झालरों और बिजली वाले दीपक बाजार में आने शुरू हो गए तभी से अब मिट्टी का काम बिल्कुल बेकार हो चुका है, जिसके चलते अब गुजर बसर भी बहुत मुश्किल से हो रही है। इस काम में मेहनत व लागत बहुत लगती है। वहीं अगर आज के जमाने की बात करें तो अब लोगों को मिट्टी से बने बर्तन व दिए बहुत महंगे लगते हैं। उनके द्वारा बनाए गए हस्तकला को कोई नहीं पहचानता, बल्कि सिर्फ मिट्टी का होने की वजह से महंगे लगते हैं। आज के आधुनिक युग में लोगों की नजर में मिट्टी की दीपक की ज्यादा अहमियत नहीं है, जबकि हिंदू रीति रिवाजों की माने तो मिट्टी के बने बर्तनों को पूर्ण तरह से शुद्ध माना जाता है। लोग विधि विधान के अनुसार कम से कम 5 मिट्टी के दीप घरों में अवश्य जलाते हैं, लेकिन अब लोगों के ख्याल पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब लोग मोमबत्ती और इलेक्ट्रॉनिक बल्बों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं तथा दीपों की जगह बिजली से चलने वाले उपकरणों का प्रयोग कर लेते हैं, जिसके कारण कुम्हारों के इस पुश्तैनी रोजगार पर गहरा असर पड़ा है। लेकिन दीपावली के कारण ही उनका यह पुश्तैनी धंधा अभी तक जीवित है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इन कुम्हारों का पुरसा हाल जानने के लिए कौन सी सरकार के राजनेता आएंगे और इनकी इन परेशानियों से निजात दिलाएंगे। इसका जवाब शायद भविष्य के घर में ही दबा है, लेकिन C24 आवर न्यूज जनता से अपील करता है कि इस दिवाली अपने घरों में मिट्टी के दीपक जलाएं ताकि आपके दिवाली पर खरीदे गए दीपक से एक कुम्हार का परिवार अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। शुभ दीपावली।